दो महीनों से ज्यादा समय से जल रही मणिपुर की आग अब तक शांत नहीं हुई है। इस बीच जानकार अब इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस आग को बुझाने की कोशिश नहीं की गई तो ये पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी फैल जाएगी। 3 मई से ही मणिपुर में कुकी और मैते के बीच लगातार हिंसक संघर्ष जारी है। आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 150 लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। मणिपुर में जो हो रहा है उसका असर मिजोरम में भी हुआ। मिजोरम में एक पूर्व आतंकी संगठन की ओर से राज्य में रह रहे मैती समुदाय के लोगों के लिए धमकी जारी की गई थी, जिससे मिजोरम में रह रहे मैती समुदाय में डर फैल गया और वो पलायन करने लगे। मिजोरम में करीब 2000 मैती समुदाय के लोग रहते हैं और ये अधिकतर राजधानी आइजोल और इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। आ रही खबरों की माने तो 1000 से ज़्यादा मैती मिजोरम से भागकर असम के बराक घाटी में पहुंच चुके हैं। घाटी में असम सरकार की ओर से मैती लोगों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन अब ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से भी सोमवार को एक एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसमें बराक घाटी के जिलों में रह रहे मिजो लोगों को राज्य छोड़ देने की बात कही गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार AAMSU की तरफ से कहा गया है, मिजोरम में रहने वाली अधिकांश मैतेई आसाम के हैं। ऐसे में मिजोरम में उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसने आसाम के मैतेई समुदाय का गुस्सा भड़का दिया है। इसके चलते हम मिजो लोगों को कहना चाहते हैं कि खुद की सुरक्षा के लिहाज से जल्द बराक घाटी को खाली कर दें। बता दें, इस बीच सोमवार रात मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा के तुरा स्थित कार्यालय पर भी सोमवार को भीड़ ने पथराव कर दिया। इस घटना में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। जब भीड़ ने इस घटना को अंजाम दिया उस वक्त सांगमा अपने कार्यालय के अंदर थे। दरअसल गारो हिल्स स्थित सोसाइटी ग्रुप तुरा में शीतकालीन राजधानी की मांग कर रहा है। इसको लेकर लोग भूख हड़ताल पर भी हैं। 14 दिनों से चल रही भूख हड़ताल के बाद CM सांगमा आंदोलनकारी समूहों के साथ अपने ऑफिस में बैठक कर रहे थे। इस बीच भीड़ CM ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गई और पथराव करने लगी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इससे प्रदर्शनकारी और अधिक उग्र हो गए और जमकर पथराव किया। इसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं।